इमरान खान तब्दीली नहीं तबाही लाए हैं, 50 लाख घर बनाने का वादा करके लोगों से छत छीनी। ये आवाम पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, हम रोजगार देते हैं छीनते नहीं, घर बनाते हैं गिराते नहीं। बिलावल भुट्टो की तनकीद, छीन रहा है अब कप्तान रोटी कपड़ा और मकान का नारा भी लगा दिया। बोले इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है, जालिम माफ नहीं कर सकते। नून लीग का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को किसी सूरत न मानने का फैसला, कानून साजी चैलेंज करने का टास्क सौंप दिया। पार्लिमानी मुशावती ग्रुप के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाजी की बादशाहत कायम नहीं होने देंगे, फरमाने इमरान नियाजी मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली वसा करने का ऐलान। अपोजिशन के एतराजात बेबुनियाद हैं, बेशक कानून साजी चैलेंज कर रही है। आईसीजे के तकाजों को पूरा करने के लिए बिल लाए, मुराद सईद बोले कि ईवीएम से बैलेट बॉक्स चोरी का खात्मा होगा, 2023 इलेक्शन भी ऑपोजिशन को शिकस्त होगी। सेनेट में भी ऑपोजिशन अपने नंबर्स पूरे करने में नाकाम, शोर शराबा और हंगामा आरई के दौरान बिल मंजूर होते रहे, सहाफियों के तहफ्फुज, नैब तरमीमी बिल समेत दीगर बिल मंजूर। ऑपोजिशन का हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाज, शहरी रहमान ने कहा हुकूमत ने सेनेट पर शबखून मारा, कार्रवाई चलाना मुश्किल हो जाएगा। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, शराय सूद में 1.5 बेसिस पॉइंट का इजाफा, शराय सूद 8.75% हो गई। स्टेट बैंक का कहना है कि फैसले के पीछे मकामी और बैरूनी वजूहात कार फरमा हैं, आलमी मुआशी मसाइल की बुनियाद पर अदायों का तवाजुन खराब हुआ और महंगाई बढ़ी। मुल्क में मुसलसल महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार, 1.07% मजीद इजाफा, इदारा शुमारियाती रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 27 अशिया महंगी हुई, दाल घी दूध दही और गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ, चीनी समेत 10 अशिया के निर्यात कम हुए, 102 अद्वियात की कीमतों में 311% तक इजाफा हुआ। कैश वैन नहीं लूटी, साथी मुलव्वस है मरकजी मुलजिम हुसैन शाह अपने साथियों के हाथों लुट गया, इकबालिया बयान में कहा कि साथी मेरे हिस्से की रकम भी हड़प कर गए, धोखा मिलने पर पिशावर से कराची पहुंचा और गिरफ्तारी दे दी, अदालत ने जेल भेज दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।